हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। क्लियर? तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ रखा होगा। हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और क्या बोलता है? हाइजन का कहना ये है, क्योंकि जब डॉयल नेचर की बात हुई थी, आइंस्टीन साहब ने भी कहा था कि जो लाइट होती है उसके अंदर डॉयल नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की तरह लाइट ट्रीट करती है। इसके बाद फिर 1924 में डी ब्रॉय आए, डी ब्रॉगली ने भी कहा कि मटेरियल जो वेव्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर भी डॉयल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव, वो दोनों की तरह ट्रीट करते हैं। हाइजन ने जब ये बात बोली, यानी जब डॉयल्टी की डॉयल नेचर जब प्रूफ हो गया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए, तो हाइजन ने अब एक क्या दिमाग लगाया, क्या उनकी अपनी एक विचारधारा थी। देखिए, अनसर्टेनिटी का अर्थ होता है कि जिसके बारे में कोई चीज़ क्लियर ना हो। सर्टन का अर्थ होता फिक्स, अगर यहाँ से बात करें सर्टन, तो सर्टन का अर्थ होता फिक्स और अनसर्टन का अर्थ है जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है। तो हाइजन ने बात कही कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली बोथ पोजिशन एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलो या मोमेंटम, बात एक ही है। वेलोसिटी और मोमेंटम साइमल्टेनियसली ऑफ ए पार्टिकल हैविंग वेव नेचर। हाइजन का कहना यह था कि एक बात बताइए, अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर रखता है, तो यार वेव नेचर रखने पर उसकी पोजिशन और वेलोसिटी को एक साथ तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर? जबकि समरफील्ड और नील्स बोर का जो पुराना मॉडल है, क्लियर, वो क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और उसकी वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन कर सकता था, क्योंकि वो मॉडल इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल मानता था, क्योंकि उस टाइम पर डॉयल नेचर की बात नहीं कही गई। क्लियर? तो हाइजन ने कहा कि अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कोई भी अगर पार्टिकल है और वो मूविंग कंडीशन में, कैसा है वो आपका मूविंग कंडीशन में है, तो अगर बहुत तेज रफ्तार से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और वो एज ए वेव है, क्योंकि भाई डॉयल नेचर की बात हुई तो डॉयल नेचर का अर्थ है पार्टिकल और वेव, तो उसने कहा कि अगर वो पार्टिकल वेव नेचर रख रहा है, तो भैया उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को आप एक साथ 100% डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर? आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, चीज़ों को देखते रहिएगा। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली बोथ पोजिशन आर मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या एनी अदर मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली, यानी कोई भी दूसरा मूविंग पार्टिकल भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई मूविंग पार्टिकल है जो वेव नेचर रख रहा है, जिसके अंदर वेव का नेचर है, तो उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजिशन को आप 100% एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये हाइजन का कहना था। क्लियर? धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, अभी केवल आप स्टेटमेंट को समझिए। मैं सारे एग्जाम्पल विद कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कि कैसे चीजें बन रही हैं। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा है, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो मूविंग कंडीशन में है, क्लियर, और बहुत तेज रफ्तार, मूविंग कंडीशन का अर्थ है तेज रफ्तार से अगर चल रहा है, तो एक समय में, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक समय पर उसकी आप पोजिशन को और उसकी वेलोसिटी को आप एक बार 100% एक ही समय पर आप उसको 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? यहां पर इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है, देखिए किस तरीके से करक, किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या कोई दूसरा पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हाइजन का कहना यही है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसका एक टाइम पर आप नहीं बता सकते हो कि वो किस जगह पर है, उसकी क्या पोजीशन है और उस टाइम पर उसका मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी क्या है। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक हायर मैथमेटिक्स लगाई और इन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया। क्लियर? यानी कि हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया। उनका कहना था डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा पी का अर्थ है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, संवेग में अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स का अर्थ है पोजिशन में अनसर्टेनिटी। देखिए, सर्टेन का अर्थ होता है फिक्स और अनसर्टेन का अर्थ है जो फिक्स ना हो। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और पोजिशन की अनसर्टेनिटी,
इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, या तो ये प्रोडक्ट एच अपान फोर पाई के इक्वल होगा या ये प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, यानी कभी भी ये आपका लेस देन नहीं होगा। क्योंकि भाई एक बात बताइए, अगर ये लेस देन हो जाएगा तो लेस देन का अर्थ है कि आपकी अनसर्टेनिटी हो गई कम। अगर अनसर्टेनिटी कम हो गई तो आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप सर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्टेनिटी का अर्थ है कि आप उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हाइजन ने यही कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है या तो एच अपान फोर पाई के बराबर होगा या हमेशा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, कभी भी लेस देन नहीं होगा। क्योंकि ये अनसर्टेनिटी हमेशा मोर देन होगी, हमेशा ज्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी, कभी भी लेस देन नहीं होगी। क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा होने का अर्थ क्या है कि उसकी आप पोजिशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी आपकी। यहां पर एच क्या है आपका, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। यहां पर अगर ये जो आपका फार्मूला पीछे वाला था डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच अपान फोर पाई, ये जो फार्मूला था डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल एच अपान फोर पाई, अगर हम इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे आपका पी मोमेंटम है, क्लियर, तो मोमेंटम का सबको फार्मूला मालूम होता है कि पी बराबर एम बी होता है। अगर यहाँ पर चेंज लगा दें, चेंज लगा दें, तो चेंज में क्या होगा, डेल्टा पी एम, मास चेंज तो होगा नहीं और वेलोसिटी कितनी जाएगी, डेल्टा बी। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा पी को उठा के इस वाले फार्मूले में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एम डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल एच अपान फोर पाई हो जाएगा। यहां पर डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स को ऐसे रख देंगे और एम को नीचे भेज दिया, तो हमारा जो फाइनल फार्मूला नीट एंड क्लीन वाला निकल के आया, वो निकल के आया डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच अपान फोर पाई एम, चपान फोर पाई एम, समझ मारा ना। तो एक आपका फार्मूला जो बेसिक था वो आपका ये निकल के आया। ये किसके टर्म में था बेटा, ये आपका पोजीशन और मोमेंटम के टर्म में था, ये हमारा वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म में आ गया। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। यहां पर एम क्या है बेटा, मास ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मास, को भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बेटा हो सकता है। यहां पर मैंने लिखा है कि बेटा यहां पर जो डेल्टा बी है वो क्या है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, यानी वेलोसिटी फिक्स नहीं है, उसमें आपकी क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई। ओके, नीचे लिखा गया है करा, ये किसी पार्टिकल की पोजीशन को आप बिल्कुल ठीक ठीक डिटरमाइन करते हैं। आप अगर पता कर लें कि नहीं यार ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पर, उसकी पोजीशन को अगर आप 100% मेजर कर लेंगे तो उसकी आपकी वेलोसिटी गड़बड़ हो जाएगी, या तो वेलोसिटी या मोमेंटम बोल दो, बात एक ही है, तो उसकी आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसमें आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अर्थात आप उसको 100% वेलोसिटी के बारे में आप नहीं बता पाएंगे। अगर पता चला इसके अपोजिट, अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर आपने डिफाइन कर लिया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन की या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसी भी पार्टिकल की आपने वेलोसिटी को डिटरमाइन कर लिया बिल्कुल ठीक ठीक, तो उसकी पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी, उसकी पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी। इसको कैसे समझा जाए, तो इसके लिए यहां पर आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लो यहां पे देखिए, चलिए पहले इसकी लिमिटेशन देखते हैं, फिर मैं इसको वापस आऊंगा यहीं पे। लिमिटेशन देखिए क्या है, लिमिटेशन ये कि ये प्रिंसिपल केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि के लिए एप्लीकेबल है, कि जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं ये प्रिंसिपल वहां पर काम करता, ध्यान रखना, ये हमारे जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उन पर ये प्रिंसिपल काम करता है, बड़े ऑब्जेक्ट पर ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। आप कहो कि बड़ी सी फुटबॉल हो, बड़ा सा ट्रक हो, कार हो, बाइक हो, ये उस पर काम करने वाला नहीं है, ये हमेशा सूक्ष्म कणों पर ही काम करता है। नीचे लिखा है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए एम का मान अधिक होने के कारण डेल्टा बी और डेल्टा एक्स के प्रोडक्ट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम कैसे समझें, तो आइए इसको आगे समझाते हैं। लिखा है अर्थात वेलोसिटी व पोजीशन को एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, सॉरी एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपका कैसा है, आपका बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर माइक्रो पार्टिकल्स है तो एम का मान बहुत ज्यादा होगा, जिससे इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अगर अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी और पोजीशन को आप
एक साथ क्या कर सकते हैं बेटा, डिटरमाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं की पॉइंट में कि नील्स बोर व समरफील्ड के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को ठीक ठीक डिटरमाइन किया गया है। ध्यान रखना, नील्स बोर और जो समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो नील्स बोर और समरफील्ड का मॉडल था वहां पर इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल मानते थे, इलेक्ट्रॉन को वेव नहीं मानते थे, क्लियर। जबकि हाइजन का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इस टाइम पर क्या हुआ, ड्यूअल नेचर का डिस्कवरी हो गई थी, यानी ड्यूअल नेचर के बारे में बात कही गई थी। तो जब ड्यूअल नेचर के बारे में बात की गई तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, नील्स बोर व समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल हाइजन के प्रिंसिपल की क्या है बेटा, अपोजिट है। थर्ड पॉइंट है कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है आपका वो वेव नेचर पर बेस्ड है। तो जो पुराने मॉडल्स हैं उन पुराने मॉडल्स में इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल माना गया है, जबकि मॉडर्न मॉडल जो हैं जितने भी आप आगे पढ़ेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड हैं, क्लियर। अब थोड़ा सा हम आपको वापस लेके चलते हैं और चीज़ें और अच्छे से आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग आप देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारी डेली लाइफ में क्या कोई रोल है या नहीं है, इस चीज को यहां पर समझते हैं, क्लियर। देखिए, सबसे पहले हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि हाइजन का जो स्टेटमेंट था वो क्या था। इनका कहना था डेल्टा एक्स डेल्टा बी, क्लियर, ये आपका पोजीशन और वेलोसिटी, एक मिनट या इसको वही इसकी मूल वाली समीकरण पहले वाली लिखिए वो ज्यादा बेटर रहेगी। क्या था आपका डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन फोर पाई, ये तो आपके मोमेंटम के टर्म में है। अगर ये मास के टर्म में इसको लिखा जाए तो कुछ बेटा इसको इस तरीके से लिखा जाएगा ना, जो भी अभी बात हुई थी ना इस तरीके से, तो डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल एच अपॉन फोर पाई एम, ये आ जाएगा ना इस चीज़ को। तो मैं इसी चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पर देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर इक्वल एच अपान फोर पाई एम, सभी लोग यहाँ पर फोकस करें और यहीं से उम्मीद है ईश्वर ने चाहा तो 100% आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। बात को जरा समझने का प्रयास करिए, इन दोनों को जरा गौर से देखिए, इन दोनों को गौर से देखिए बेटा, ये क्या है, ये है बेटा अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, ये आपका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है। अगर ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या हो, मैं लिख रहा हूँ शुद्ध हिंदी में, अगर ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम इसको द्रव्यमान से रिलेट कर दें कि एच अपान फोर पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका कांस्टेंट है, क्लियर। यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा बी को अगर हम एम से रिलेट करें तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें निकल के आएँ और वो तुम्हारे समझ में भी आएँ। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा बी क्या बेटा, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। अगर ये ज़्यादा है, यानी किसी ने भाई एक बात आइए सर्टेन आदमी कहता, देखो मान के चलिए कि 100 में 90% तो हम आपसे मिल सकते हैं, क्लियर, और 10% हो सकता है कि बहुत कम संभावना हो, तो 90% वहाँ पर सर्टेनिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर दूसरा अगर बोला जाए यार 90% तो बहुत मुश्किल है, 10% उम्मीद, तो इसका अर्थ है 90% अनसर्टेनिटी क्या है, ना मिलने की है। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ ये है कि अगर अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है बबुआ, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो ऑब्जेक्ट उनके मास हमेशा क्या होंगे, कम होंगे, मास कम होंगे। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितने हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे, बहुत ध्यान से सुनने का कोशिश करिएगा कि जितने हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जितने हमारे सूक्ष्म कण हैं बेटा, उन सूक्ष्म कण का क्या होता है बेटा, मास कम होता है। अगर उनका मास कम होगा तो बेटा उनके अंदर डेल्टा एक्स और डेल्टा बी की ये जो अनसर्टेनिटी है बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अनसर्टेनिटी ज़्यादा होने का अर्थ क्या हुआ बेटा, कि आप उनकी पोजीशन और उनकी वेलोसिटी को एक साथ कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात चल रही है कि डेली लाइफ की, कि इसका डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम आपको बताना चाहेंगे
कि जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जांपल मैं लिखूं 0.1 kg, मान लो 0.1 kg मास का कोई बॉल मान लेते हैं, कोई गेंद है, या कोई ऑब्जेक्ट मान लो जिसका मास कितना बेटा 0.1 kg है, कितना बेटा 0.1 kg। अब आप क्या करें, डेल्टा एक्स डेल्टा बी ग्रेटर इक्वल एच अपान 4π हम लगाएं, ओके, डेल्टा एक्स डेल्टा बी ग्रेटर इक्वल एच अपान 4π, 4 × π की वैल्यू 3.14 और m की वैल्यू 0.1, ये सब रखें और इसको आप कैलकुलेट बेटा जब करेंगे, जब ये कैलकुलेट करेंगे, इसको चाहे आप नोट भी कर सकते हो, क्लियर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कुछ बेटा ये ऐसे निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए बेटा, ये वैल्यू निकल के आएगी। बात यहाँ पर चल रही कि हमारे डेली लाइफ में क्या कोई इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है, तो आपको बोलेंगे कि नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस फिकेंस इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ, इसके हमारे रोजमर्रा के जीवन पर हाइजन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता, आप यहीं पे देख लो, 0.1 kg का कोई मास का कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये कोई बॉल मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो। अब हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा बी की वैल्यू आई वो 10^-34 है बेटा। अब बात को समझिए, ये बेटा अनसर्टेनिटी क्या है, कम है ज़्यादा है, बताइए कोई, ये अनसर्टेनिटी कम है या ज़्यादा है, ये बेटा अनसर्टेनिटी बहुत कम है, -34 है। तो कहेंगे कि वेरी वेरी लेस अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी बहुत कम है। अगर अनसर्टेनिटी बहुत कम है तो बेटा यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा होगी, यहाँ पर सर्टेनिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बात को समझिए, इस क्वेश्चन से पूरा अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आपके भेजे में उतर जाएगा। सॉरी, देखिए इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होने वाला है अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। यहाँ पर हमने 0.1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी का फार्मूला लगा दिया, यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी, इसकी जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू कुछ ये आई है, ये वैल्यू इतनी कम है, ये अनसर्टेनिटी इतनी कम है, तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी बेटा, सर्टेनिटी। इसका ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ, ओवरऑल मीनिंग बेटा ये हुआ कि हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं तो बेटा यहाँ पर अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी अगर ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसके अंदर, या कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल इसलिए फेल है क्योंकि अनसर्टेनिटी हो गई कम। अगर अनसर्टेनिटी होती ज़्यादा तब यहाँ पर ये प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। तो एक चीज़ आपके भेजे में बात बैठ गई है कि जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे, जितने हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर हाइजन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगला है सिग्निफिकेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखिए ये पीछे जो आपने देखा, ये सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ का अर्थ है कि इसको बोल दो मैक्रो पार्टिकल्स का अर्थ है, या कह सकते हैं लार्ज बॉडीज, जो बड़े बॉडीज हैं उन पर ये प्रिंसिपल काम नहीं करता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जो हमारे सूक्ष्म कण हैं, क्या उन कणों पर ये प्रिंसिपल काम करता है या नहीं करता है, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, हमारा प्रोटॉन है, इसको नोट भी करते रहिएगा, ये हमारा न्यूट्रॉन है, या अदर कोई भी
चार्ज मूविंग पार्टिकल हो सकता है, कोई भी आपका मूविंग पार्टिकल हो सकता है, क्लियर, कोई भी मूविंग पार्टिकल्स हो सकता है। अब बात आ रही है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, इनके मास कैसे होते हैं? मास इनके वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम होते हैं, मिनिमम मास, सॉरी, इनके मास क्या होते हैं बेटा, बहुत मिनिमम मास होते हैं। अगर मास बहुत मिनिमम है बेटा, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आइए लगाते हैं। तो क्वेश्चंस एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो बेटा एग्जांपल से ही समझ में आता है। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का बेटा मास कितना होता है, 9.1 × 10³⁻³ kg बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। आइए हाइजेंस आपको याद करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4πm, है ना बेटा, एच की वैल्यू रख दो 6.6 × 10³⁻³। यहाँ पर एस की वैल्यू रखी थी, नहीं रखी थी, अच्छा ये वैल्यू सब रखेंगे, यहाँ पर एस की वैल्यू रखेंगे और इसके बाद कैलकुलेट करके निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और सॉरी यहाँ पर एस की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, एस की वैल्यू पुट कर देंगे अपान, ये कितना आ जाएगा 4π की वैल्यू 3.14, और एम की वैल्यू ये, क्लियर। मैं आपको केवल एक कैलकुलेशन का आइडिया आपको दे रहा हूँ जिससे चीज़ें समझ में आए। मेरा मेन मोटो यही है कि आपके चीज़ दिमाग में एकदम बस जाए कि ये रूल है क्या, क्लियर, क्योंकि समझ में बहुत ना के बराबर आता है। देखिए अब समझो, जैसे ये कैलकुलेशन आ गई, अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए और दिमाग लगाइए, ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये जो वैल्यू निकल के आई है आपकी, ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है, इसमें ज़रा अनसर्टेनिटी देखिए, पीछे वाले में अनसर्टेनिटी बेटा कितनी थी, 5.23 × 10³⁻¾, बेटा वहाँ पर अनसर्टेनिटी इतनी आई थी, ये अनसर्टेनिटी बेटा क्या थी, वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम थी, जिसकी वजह से वहाँ पर पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर किया जा सकता था। जबकि बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कहेंगे यहाँ अनसर्टेनिटी मैक्सिमम है। अगर बेटा अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी तब क्या कहेंगे कि पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है, ये बेटा अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बेटा क्या है, ये आपका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है। अगर अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका पोजीशन एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना। तो जब कभी ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, क्लियर, तो उस टाइम पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्लियर। ये बाकायदा आपको पीडीएफ में बिल्कुल कैलकुलेट होके मिल जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा और हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जब हाइजेंस से पूछा गया था कि एक बात बताइए कि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं इनकी पोजिशन और इनकी वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन क्यों नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने कहा था कि मान लो कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का इसका क्या है, एक पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, ओरिजिनल पाथ है, मान लो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा हाई पावर का इन्होंने एक माइक्रोस्कोप लिया जिसमें हम इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और इसकी वेलोसिटी को देखना चाह रहे हैं, क्लियर। इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को देखना है तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करना पड़ेगा, एक लाइट फोटॉन डालना होगा। ये लाइट फोटॉन इसलिए डालना होगा कि जिससे इस इलेक्ट्रॉन को देखा जा सके, क्योंकि जब तक लाइट नहीं डालेंगे पार्टिकल चमकेगा नहीं। तो जैसे इस
फोटॉन को हम डालते हैं, इसका वेव लेंथ तो बहुत कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बहुत छोटा साइज का है, क्लियर। तो इस पर क्या होगा, एक छोटा वेव लेंथ का हमें लाइट फोटॉन डालना होगा, क्लियर। जब इस फोटॉन को, जब ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो क्या होता है, यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा ई बराबर एच न्यू, क्लियर, और न्यू बराबर सी अपान लेमडा। अगर आपका लेमडा बहुत कम है तो आपका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो फोटॉन आ रहा है इसका वेव लेंथ कम है, ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस माइक्रोस्कोप में जाएगी, जिससे हम इसकी लोकेशन अर्थात इसकी पोजिशन को डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये फोटॉन अपनी सारी एनर्जी इसको दे देगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एकदम अचानक बढ़ जाएगी। इसकी एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो भी आपकी चेंज हो जाएगी और इसका पाथ भी चेंज हो जाएगा। कहने करते हुआ है कि अगर आप इसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, वेलोसिटी गड़बड़ हो जाएगी इसका पाथ, क्योंकि अपने पाथ को चेंज कर लेगा, जबकि तुमने क्या उम्मीद लगाई थी कि तुम्हारा पाथ ये रहेगा, क्लियर। ये एक्सपेक्टेड पाथ बोला जाता है, स्पेलिंग ध्यान रखना, EXPECTED, एक्सपेक्टेड पाथ, क्लियर। इसका अर्थ है कि आप चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पर होगा, लेकिन जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत हाई एनर्जी से, बहुत हाई स्पीड से क्या करेगा, अपना पाथ चेंज कर देगा, क्लियर। तो ये ओवरऑल एक व्यू था हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अगर आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अगर देखना चाह रहे हो, क्लियर, तो वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में ही अब शामिल करेंगे, क्योंकि लेक्चर मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर के बारे में और थोड़ा सा पढ़ाया जाए, तो यहाँ पर एक की पॉइंट्स तो आपने देख ही लिए थे ना, नील्स बोर का ये पूरा, इसके बाद ये सिग्निफिकेंस देख लिया था। अगर आपको न्यूमेरिकल्स देखना है तो यहाँ पर आप यहाँ से देख लीजिए न्यूमेरिकल का पार्ट, ये आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट है, थर्ड पॉइंट, ये ध्यान, ये आपका जो की पॉइंट का ये थर्ड पॉइंट है कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लीजिए, न्यूमेरिकल में कह रहा कि कैलकुलेट द हाइजन अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फॉर द मूविंग बाल आर स्टोन हैविंग मास 50 ग्राम। यानी कोई एक ऐसा स्टोन है जिसका मास कितना है, 50 ग्राम है, और आपका उसका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये आपका अपना बेसिक फार्मूला आप लगा देंगे, इसमें क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एच अपान 4 पाई, पी को चेंज करेंगे, पी बराबर एम बी रख देंगे, एम इंटू डेल्टा बी, क्लियर। यहाँ से डेल्टा एक्स डेल्टा बी निकाल लेंगे, एच अपान 4 पाई एम। अब यहाँ पर एच की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और एम कितना था आपका, ये सवाल में 500 ग्राम था, कितना था बेटा, 500 ग्राम नहीं है, सॉरी 50 ग्राम नहीं, 500 ग्राम है बेटा, ध्यान रखना 500 ग्राम है, ये वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी 10 की पावर माइनस 30। कितनी निकल के आएगी बेटा, 10 की पावर माइनस 30। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 30, ये बेटा वैल्यू बहुत क्या है आपकी, ये बहुत ही कम है। यानी कहने का अर्थ है ये अनसर्टेनिटी आपकी बेटा कैसी है, बहुत कम है। और मैंने पहले भी बताया कि अगर अनसर्टेनिटी कम होगी तो सर्टेनिटी ज़्यादा होगी। लिखा है कि द ऑप्टेंड वैल्यू, जो वैल्यू प्राप्त हुई है, इज सो स्मॉल, इतनी छोटी है, दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड, इसको निग्लेक्ट कर दो, हैंस इस प्रकार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द बिग बॉडीज आर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो भी पीछे भी बताया था कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर ये हाइजन कंसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम नहीं करता, अर्थात मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा बड़ी बॉडीज पर, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ही कम आई हुई है। क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड विद इन 1 एंगस्ट्रॉम, उसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दी है इतने, करा व्हाट विल द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में निकालना, ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एम पी को चेंज कर लेंगे डेल्टा एम इंटू डेल्टा बी, यहाँ से डेल्टा बी को निकाल लेंगे तो डेल्टा बी बराबर क्या आ जाएगा, एच अपान 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम, एस की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे, डेल्टा एक्स तो दिए ही है आपका 1 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, -11 हो जाएगा, वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसको हल करना है, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब देखिए भाई साहब, ध्यान से देखिए,
10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आई है। इसका अर्थ मालूम क्या है कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, प्लस का 6 है बेटा, तो अनसर्टेनिटी क्या बेटा, बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ क्या है कि इस लोकेशन पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की लोकेशन पर इसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, करा अलाइंग 0.1 एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए मूविंग डस्ट पार्टिकल। कोई डस्ट पार्टिकल है जिसका मास 10^-10 ग्राम है और डायमीटर कितना है 10^-5 सेंटीमीटर। वाइल मूविंग, जब ये पार्टिकल मूव कर रहा हो वेलोसिटी इतने से, क्लियर, तो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी। इसकी पोजीशन में बेटा अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो यहाँ पर बेटा वेलोसिटी दी है कितनी, ये दिया है वेलोसिटी आपका 10^-4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी लिख दी। अब यहाँ पर करना क्या है, ये जो वेलोसिटी है बेटा आपकी 10^-4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें इन्होंने एक बात बोली है, बात क्या है, यहाँ पर एक काम ये करना है कि सॉरी ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी 10^-4 सेंटीमीटर है। आगे यहाँ पर आपका, इससे पहले देखिए कि कह रहा, हाँ ये यहाँ पर ऊपर आइए, कह रहा अलाइंग 0.1% एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मूविंग डस्ट पार्टिकल। उसमें कितना एरर है आपका वेलोसिटी में, 0.1 है, ध्यान रखना यहाँ पे एरर का है 0.1। तो जो वेलोसिटी आपकी इसमें दी है 10^-4 है, इसका कितना परसेंट निकालना है आपको, 0.1 निकालना है। तो ये जो 0.1 ये बेटा एरर है, तो ये आपकी वेलोसिटी है, इसमें एरर या अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, डेल्टा बी, वो कितनी है बेटा 0.1 है। तो डेल्टा बी का कितना निकाल लेंगे आप, 0.1%। तो बी का जब 0.1% निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। तो 10^-4 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा डेल्टा बी कितना निकल के आएगा, 10^-7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोबारा फिर मैं समझाता हूँ, यहाँ पर ये वेलोसिटी दी है, क्लियर, और इस वेलोसिटी में एरर आपका कितना मेजर किया गया, 0.1, तो इसी वेलोसिटी का 0.1 एरर निकाल लेंगे, ये आपका डेल्टा वी आ जाएगा, ये डेल्टा वी आपने यहाँ पर लिख दिया आपने, क्लियर, डेल्टा वी निकल आया। इसके बाद वो कह के आ रहा है कि पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी होगी, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पर ये आपका मास दिया है, यहाँ पर सवाल में मास भी दिया है, ये यहाँ पर है कितना, ये करा द हैविंग मास 10^-10 ग्राम, ओके, तो ये मास आपका 10^-10 ग्राम, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया h/4πm वैल्यूज, यहाँ से निकालना क्या है बेटा, डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स बराबर ये निकल के आ जाएगा फार्मूला, ऐसा बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतनी आई 5×10^-9 सेंटीमीटर। ये अनसर्टेनिटी बेटा क्या है, बहुत ही आपकी कम है, लिखा है कि ये अनसर्टेनिटी क्या है, बींग वेरी स्मॉल, स्मॉल है इसलिए इसको क्या कर देते हैं, निग्लिजिबल कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर हाइजन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, लिखा है हैंस अनसर्टेनिटी इन दिस पोजिशन इज निग्लिजिबल। हमेशा एक बात जीवन पर्यंत याद रखना कि जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि अनसर्टेनिटी क्या हो, बहुत कम हो, तो ध्यान रखना वहां पर हाइजन प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कर कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज, ना पोजीशन में अनसर्टेनिटी दी है डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, फार्मूला लगा देंगे, ये वाला डेल्टा एक्स डेल्टा पी h/4π, डेल्टा पी को चेंज कर देंगे, पी बराबर एम बी होता है, तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा एम इंटू डेल्टा बी, यहाँ से आप डेल्टा बी निकाल लेंगे, h/4π डेल्टा एक्स एम आ जाएगा, सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, हल करेंगे, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए यहाँ पे 10^5 है, जानते हो अनसर्टेनिटी आसमान छू रही है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है तो समझ जाइए यहाँ पर हाइजन का प्रिंसिपल काम कर रहा होगा, क्योंकि उसने सीधे कहा है कि अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमाइन करना मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल है, उसमें हमें क्या निकालना है, कह रहा है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल, यानी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है, उसका मास 150 ग्राम दिया है, इफ अनसर्टेनिटी इट्स पोजीशन ऑफ ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम, उसका पोजीशन का अनसर्टेनिटी दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10^-10 मीटर हो जाएगा।
यहाँ पर मास 150 ग्राम दिया, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो ये 0.15 ग्राम किलोग्राम आएगा। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, डेल्टा वी निकाल लेंगे, ये वैल्यू आएगी और इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हल करेंगे तो डेल्टा वी कितना निकल का आएगा, 3.499 × 10⁻¹। अब देखिए 10⁻²⁴ है बेटा, इसका अर्थ है क्या, अनसर्टेनिटी बहुत ही क्या है बेटा, कम है। अगर अनसर्टेनिटी बहुत कम है तो समझ जाइए कि यहां पर हाइजेंस का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, करा एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट, अब इतना इतना 99.9%, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेशन। लोकेशन का अर्थ है उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी पूछ रहा है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू इतने परसेंट, तो ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो कितनी है, 99.99%। अगर ये एक्यूरेट है वैल्यू, अगर ये शुद्ध वैल्यू है तो इसमें बेटा इम्प्योर वैल्यू कितनी होगी, ध्यान रखना ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये आपकी प्योर वैल्यू है तो इम्प्योर वैल्यू कितनी होगी, तो इसको 100 से क्या कर देना, इसको आप माइनस कर देना। क्लियर। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01%, ये आपकी क्या है बेटा, इरर है। तो क्या करेंगे, जो 40 मीटर पर सेकंड स्पीड दी है इस पर आप 0.01% क्या करेंगे, एरर निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो कैसे एरर निकालेंगे इसको जरा समझते हैं, इसको यहां पर समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो जो आपका दिया है, जो आपका दिया है स्पीड 40, इसी 40 का 0.01% डिवाइड बाई 100, तो हल करना ये इतनी वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रहा है ना, ये बेटा एक्यूरेसी दी है तो इसमें इरर कितना होगा, 100 से जब आप माइनस करोगे, 100 से जब माइनस करोगे तो 0.01 आएगा, उसी का 40 का 0.01% निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। इसके बाद निकालना क्या बेटा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी, तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, ये आ जाएगा फार्मूला, इसमें सारी वैल्यू रख के इसको हल कर लेंगे, ये आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतनी आ गई बेटा। कहानी समझ में आ रही ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन थे, तो इस पूरे लेक्चर में हमने हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं वो भी हमने यहाँ पर देखी हैं, न्यूमेरिकल्स देखे। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।